हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी 18 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड अभी ऑफिस जाने वाले हैं, अभी नहीं गए हैं। तो देखिए, आज यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, आप देख सकते हैं पत्ते बहुत जोर जोर से हिले जा रहे हैं और ठंड वाली हवा है बाहर। अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी सी ठंड जैसी महसूस हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपने कल वाला करवा चौथ ब्लॉग देखा था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा। मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमेशा मोबाइल लेके, अभी आदत नहीं है मेरी तो नहीं कर पाती हूँ मैं। तो और बताइए, चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ कि मेरे बागवानी में अभी फ्लावर्स आ गए हैं। एक उड़हल का फूल है, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हिबिस्कस कितना अच्छा लग रहा है। ये कुछ दिनों में एक दो फ्लावर्स होते रहते हैं और अभी भी देख सकते हैं कि उसमें कली खिली हुई है, वो एक दो दिनों में आ जाएगा। मैं आगे मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ सावर लेकर और मैं आपको दिखाऊं मेरे हस्बैंड ने कल मुझे क्या गिफ्ट दिया करवा चौथ के अवसर पे। मैंने उनसे बोला कि आप मेरे लिए क्या गिफ्ट ला रहे हो, तो पता है उन्होंने क्या किया? सॉरी, मैंने उनसे 2 दिन पहले बोली थी कि मेरी जो VLCC वाली टोनर है और ये कॉटन पैकेट दोनों ही खत्म हो गए थे, तो मैंने उनसे लाने को कहा। तो उन्होंने पता है कल मुझे वो ला के दिया है और उन्होंने बोला कि एक्सेप्ट करो, ये तुम्हारा करवा चौथ तो गिफ्ट है, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए फिर, ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, कभी कभी ना छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए। मैंने तो यही एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, कुछ ना से हाँ से कुछ तो एफर्ट्स लगाया उन्होंने, याद रखा कि मैंने 2 दिन पहले बोला था। आपके भी हस्बैंड ऐसे करते हैं क्या? तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि ये सही है, उन्हें देना चाहिए ना अच्छी सी गिफ्ट। खैर कोई बात नहीं, वो तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ले लूंगी, अभी दिवाली आने वाली है ना। और आप बताइए, आप अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं मेरे साथ जरूर शेयर करना कि आपका कोई मेरे से अलग रूटीन होता है, आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, कि आप अपने लाइफ में क्या चीज करने में रोज रोज बोर होते हो या क्या करते हो उससे आपको एनर्जी गेन होती है, तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि हम जो हाउसवाइफ हैं एक दूसरे को देख के ही मोटिवेट होते हैं। मेरे को एक बात बताओ, आप खुद को पैम्पर करना कितना जरूरी है? आप कभी खुद से खुद का प्रशंसा करते हो? कोई नहीं करता, कोई बात नहीं, हम तो खुद ही कर लेते हैं कि मैंने आज क्या किया सुबह से शाम और मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया नहीं किया। जब आप रात में सोते समय आप खुद को आकलन करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कहाँ अपने टाइम को खराब किया और कहाँ नहीं किया, कहाँ मैंने बहुत अच्छा किया। मुझे खाना बनाना तो मैंने कितने दिल से बनाया, मुझे पढ़ाई करनी थी मैंने कितने दिल से पढ़ी, कितने टाइम तक पढ़ा। या फिर होता है ना कि अपने हॉबी के साथ मैंने कब तक जिया, तो अपने आप जरूर मुझे बताना कि आप क्या रात को सोते समय दिन भर का आकलन करते हो? और नहीं करते हो तो एक बार एक दिन जरूर मेरे कहने पर आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, अब मैं तैयार हूँ अपने लंच रूटीन के लिए। हस्बैंड सभी लंच करने आते हैं, 2 से 2:15 के बीच में मैं अपना लंच प्रिपेयर करके पूरे तरीके से तैयार कर लेती हूँ कंप्लीट। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहे हैं 1:15 और मेरा टारगेट है 2 बजे का, तो मुझे बस इतनी जल्दी में मुझे क्या बनानी है, तो चलिए बताती हूँ। मैं बहुत आज शॉर्टकट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सस्पेंस को खत्म करती हूँ और मैं बताती हूँ आज क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ जीरा राइस, ठीक है, जो कि मैं कढ़ाई में बनाऊंगी, कुकर में नहीं। और बनाऊंगी दही की रायता, मिक्स रायता बनाऊंगी, ठीक है, प्याज टमाटर और खीरा को मिलाकर, और सैलेड, और जो मैंने रात को बनाई थी ना पनीर,
वही आज चलने वाला है। तो चलिए बनाते। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे तेल गर्म होने के बाद थोड़ी सी हींग डाली हूँ, थोड़ी सी दालचीनी डाली हूँ और ये दो छोटी इलायची को कूट कर मैंने डाला है। तो बस यहाँ थोड़ी सी जीरा और मैं बस थोड़ी सी मैं यहाँ पे नमक डालूँगी। तो बस इतना ही ऐड करूँगी, चूँकि ये सिंपल मुझे राइस बनानी है, पुलाव जैसा नहीं बनाना था मुझे। तो बस ये जो ग्लास है इसी से मैंने मैनेजमेंट लिया है, एक ग्लास राइस में दो ग्लास पानी, क्योंकि जब हम कुकर में बनाते हैं तो उसे डेढ़ गुना पानी डालना होता है, लेकिन हम जब कढ़ाई में बनाते हैं तो वो दो गुना पानी डालना होता है। तो वही देखिए, मैंने अब यहाँ पे चावल डाल दिया है और बस कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चला कर फिर इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे बस ऐसे प्लेट से इसे कवर करना है कि वो अच्छे से कवर हो जाए, उसकी जो भाप है वो बाहर ना निकल पाए, और बस अच्छे से उसको जब वो खोलने लगेगा तब उसके बाद इसको कवर करना है। तो देखिए अभी ये बिल्कुल, तो अब ये मेरा राइस का जो पानी है वो बॉईल हो चुका है, तो मैं अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और इसमें अच्छे से जो कवर हो सके ऐसा प्लेट ऊपर से रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा चावल कितना खिला खिला निकला है और बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है, और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसको सिर्फ रायता के साथ भी खा सकते हो। और मैं यहाँ दही को फेंट रही हूँ, मैं यहाँ पे दही को फेंट लिया है। अब जो मैंने पहले से कट करके रखा है टमाटर, प्याज और खीरा को उसमें ऐड कर दूंगी, और ऊपर से मैंने डाला है ये जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं सफ़ेद नमक डालूंगी और इसमें मैं डालू, फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डाल दिया है सब कुछ। फ्रेंड्स, मैं बच्चों के अकॉर्डिंग ये अपने फूड को तैयार करती हूँ। तो ये है मेरा लंच आज का। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लंच रूटीन, और आपको मेरा आइडिया कैसा लगा तो जरूर बताना। ये था मेरा बिल्कुल ही सिंपल लंच रूटीन, टाइम सेविंग रूटीन। तो चलिए, तो फिर मैं मिलूंगी, और हाँ, आप मुझे मेंशन करके जरूर बताना, कमेंट जरूर करना कि आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है? फिर मैं आगे और टॉक करूंगी आपके साथ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हाँ, आपको यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, पसंद आए। और सब्सक्राइब ना किया है अभी तक मेरे चैनल को तो प्लीज एक सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें, तभी आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलती हूँ मैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। Take care. Bye-bye.